हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास सिक्स मैथ्स के 10वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी नवोदय एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जो इस बार 20 जनवरी को पेपर देने जा रहा है उनके लिए ये सेशन जो है, ये क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। बहुत आसानी तरीके से, बहुत ईजी वे में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको समझाया है, ताकि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का भी है तो उसे भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका क्या सजेशन है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाए, ठीक ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। क्वेश्चन आपको दोनों भाषा में समझाए जाएंगे क्योंकि कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का हो तो उसे दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने बच्चे पूछा है, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बोला है द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 13, ठीक ना। चार संख्याओं का एवरेज यानी चार संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 85 और पहले तीन संख्याओं का सम कितना है 85 है, तो आपको बताना है फोर्थ नंबर कितना है। सबसे पहले देखो एवरेज हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, चार संख्या है और इनका एवरेज दिया गया है कितना हमारे पास 30। तो हमें पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू हमें पता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपान में टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक ना, यही होता है फार्मूला। अब देखो हमारे पास एवरेज कितना दिया बच्चों यहाँ पे 30 और हमारे पास सम ऑफ नंबर हमें पता करना है, सम ऑफ नंबर हमें अभी पता करना है, टोटल कितनी नंबर है यहाँ पे देखो कितनी संख्याओं का है, चार संख्याओं का है ये। अब देखो अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 4 3 12, चारों संख्याओं का सम कितना हो गया बताओ 120। अब देखो 120 हो गया, लेकिन इसमें क्या बोला, ये द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर, पहले तीन संख्याओं का सम हमें दे रखा है, इन तीन संख्याओं को सम करने पे कितना आ रहा है हमारा 85। तो हमें चौथी संख्या बतानी है, हम लोग चारों संख्याओं का सम निकाल लिया 120, तो हम लोग चौथी संख्या के लिए क्या करेंगे, 120 में से पहली तीन संख्या का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, चौथा नंबर आ जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 8 जाएगा 3, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बताओ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखें, देखिए स्क्रीन पे तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से अगर सवाल आता है तो, ठीक ना। बोला है हाउ मेनी ईयर 500 अमाउंट टू 600, यानी 500 रुपया कोई लिया और वो कितना हो जा रहा है 600 हो जा रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% ब्याज की दर से 500 रुपये कितने समय में 600 रुपया हो जाएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है देखो, प्रिंसिपल कितना है 500, अमाउंट कितना दे दिया है देखो, अमाउंट का मतलब मिश्रधन कितना दे दिया है 600। तो हम लोग यहाँ पे एसआई निकाल लेंगे, एसआई इक्वल टू हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट पता है, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ठीक ना। जितना हमने टोटल लिया था उसमें अगर हम लोग पहले वाला माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो 600 माइनस का 500 हमारे पास ये कितना आ गया 100 रुपया आ गया, कितना आ गया 100 रुपया आ गया। अब हमें पता है एस आई इक्वल टू फार्मूला हमें सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन में 100, इस फार्मूले को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, ये कितना दिया गया है 100, ये आपका प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया हम लोग लिए हैं, रेट हमारे पास 5% दी गई है, इंटू टाइम अपन में 100, 2 0 से 10 कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 100 इक्वल टू 25 इंटू का टी, तो टी यहां से आ जाएगा 100 बटे में 25, अब 25 ये कट जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 वर्ष, कितना आ जाएगा 4 वर्ष, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इससे हम समझ गए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो अमाउंट दिया रहेगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, हमारे पास एसआई आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे, हमारे पास ये जो भी हमारा चीज होगा वो चला आएगा जो पूछा रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे कुछ भी दे सकता था, हो सकता था यहाँ टाइम दे देता, आपसे रेट पूछ लेता, तो आप लोग टाइम रख देते, रेट यहाँ से
निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पे देखिए। हाँ तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर है आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बोला है 80% या 80% ऑफ 240 इज मोर देन 35% ऑफ 400, यानी 80% 240 का 80% 400 के 35% से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, 240 गुणे 80 अपान में 100, इसको निकाल लेते हैं, और फिर कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। अब 400 का 35% हम लोग निकाल लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये करते हैं जो दिया है उससे इंटू ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। अब ये बताना है कि ये इससे कितना, ये जो है ये इससे कितना अधिक है, हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें बोला है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, चार अंक की बड़ी और चार अंक की छोटी संख्या का क्या बताना है, सम बताना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कि पांच अंक की सबसे बड़ी पांच अंक की सबसे छोटी संख्या का सम पूछ दे, दो तीन अंक की बड़ी तीन अंक की छोटी का पूछ दे, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो हमें पता है सम आप फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर 4 times 9 1 2 3 4, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर किसी भी डिजिट का लिखना होता है तो उतने टाइम्स हम लोग क्या लिखते हैं 9, एंड फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक ना, डिजिट लिख लीजिए आपको, फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 1, और कितने और डिजिट बचे 3 3 0, इनका सम करना है, सम कर लीजिए 9 9 9 9 में ऐड करेंगे 10, आपका आंसर हो जाएगा 1 0 9 9 9, ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो चीजें क्या है छिपी हुई है जो आपको जानना है। बोला है द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरिमीटर इज 48 मीटर, एक स्क्वायर है माने एक वर्ग है, एक हमारे पास क्या है एक वर्ग है, आपको पता है वर्ग की सारी भुजा क्या होती है बराबर होती है, इक्वल साइड होती है सबकी, और इसका पेरीमीटर आपको कितना दिया है 48 मीटर, ठीक ना। अगर मान लेते ये है ये भी है ये भी है ये भी है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सबका योग, सबका योग करेंगे तो सबको जोड़ देंगे, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 48, अब ये कितना हो जाता है 4 into a = 48, यही हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into side इक्वल टू कितना हो जाता है ये 4 into side, ये हमें कितना दिया गया है 4 into side इक्वल टू हमारे पास कितना है 48, यहाँ पे साइड कितना हो जाएगा बताओ 48 by 4, ये कट के कितना हो जाएगा 12 मीटर, अब साइड हमारे पास कितनी हो गई, एक साइड कितनी हो गई 12 मीटर हो गई, एक साइड कितनी हो गई 12 मीटर। और दूसरी बात हमें क्या बोला, इसी वर्ग का हमें क्या करना है क्षेत्रफल बताना है, ठीक ना। तो अगर हमारे पास एक साइड आ गई तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी साइड का स्क्वायर, हम लोग क्या देख सकते हैं 12 into 12 कितना आ जाता है 144 मीटर स्क्वायर, या हिंदी में क्या आंसर रहता है वर्ग मीटर। अब देखो आपके सामने यहाँ पे 144 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये तो ऐसा चाहिए 169 दिया गया गलत है, लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि जल्दीबाजी में क्या करता है 144 मीटर दिया है क्या करता है सही मारता है, लेकिन आपको क्या करनी है आंसर तो आप सही कर लेंगे, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हम उसकी यूनिट को भी जान दें, अगर हमें क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, ठीक ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग आपको और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इससे पहले हमने क्वेश्चन करा रखे हैं, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अरिहंत बुक की टॉप 20 प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस प्रैक्टिस सेट जो पूछे जा चुके हैं सबको करा रखा है, ठीक ना। तो आप अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो आप वहां से जाइए कीजिए, और अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको फॉलो कीजिए, एक एक चैप्टर पढ़िए, सेल्फ प्रैक्टिस, इंटरेस्ट कॉर्नर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद।